सबको नमस्कार। आज मैं आप सबों के लिए एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं। वो चैप्टर है उपभोक्ता के व्यवहार और मांग। पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसमें हम लोगों ने कई टॉपिक पर चर्चा किया। अर्थशास्त्र की परिभाषा से लेकर के जो अंतिम चैप्टर था, टॉपिक था, व्यष्टि और समष्टि में अंतर। इतने पढ़ाई के साथ साथ ही हम लोग का 8 मार्क्स सिलेबस का कंप्लीट हो चुका है। आज मैं उपभोक्ता के व्यवहार और मांग, जो कि एक नया चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, दूसरा चैप्टर, इसे लेकर आया हूं। और इस चैप्टर में हम लोगों को जो पढ़ना है वो 3 टॉपिक पर ध्यान देकर के पढ़ाई करना है। वो है एक उपयोगिता, दूसरा मांग और तीसरा मांग की लोच। बड़ा चैप्टर है, 13 मार्क्स का है और इस चैप्टर में जो हम इन 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो इससे पहले थोड़ा सा जो चैप्टर का नाम है उपभोक्ता का व्यवहार और मांग, तो हमें उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि उपभोक्ता का व्यवहार क्या है। और कोई ये नया चीज नहीं है, क्योंकि ये हम आप सब से जुड़ा हुआ है। हम आप सब भी उपभोक्ता है। इसके बाद एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उत्पादक का व्यवहार। तो हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उपभोक्ता भी हैं और उत्पादक भी हैं। तो आज पहले थोड़ा सा हम लोग सोचें कि यदि हम लोग उपभोक्ता हैं तो एज ए कंज्यूमर, यानी एक उपभोक्ता के रूप में हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग का क्या व्यवहार है। एक उपभोक्ता के तौर पर हम लोग हमेशा अपने लाभ हानि के बारे में फिक्र करते हैं। हम उन चीजों को विशेष तौर पर करने का प्रयास करते हैं जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिले। क्योंकि यहां करना क्या है, हम लोग उपभोक्ता हैं तो हम लोग कई तरह के चीजों का उपभोग करते हैं। उपभोक्ता का मतलब होता है वो व्यक्ति जो किसी चीज का इस्तेमाल करे, किसी चीज को खरीदे, उसको यूज करे। और वो किसी चीज को खरीदता है तो उसके पीछे मकसद होता है, और मकसद क्या होता है कि उसे मजा आना चाहिए, उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, आनंद आना चाहिए। अगर आनंद नहीं आएगा तो वो उस चीज को नहीं खरीदेगा, वो उस चीज का कंज्यूमर नहीं होगा। इसलिए सब व्यक्ति सब चीजों का कंज्यूमर नहीं होता है, सभी कंज्यूमर सब चीजों का कंजप्शन नहीं करता है। हम आप सिगरेट पीते हैं, नहीं पीते हैं, लेकिन कुछ लोग पीते हैं। जिसको मजा आता है वो पीता है, जिसको मजा नहीं आता वो नहीं पीता है। यानी जिसे सेटिस्फेक्शन मिला वो करेगा। तो कंज्यूमर कहीं ना कहीं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ करता है, उसका यही व्यवहार है। और उसी के व्यवहार में आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महंगे महंगे चीजों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको उसमें मजा आता है। गाड़ी चलना है तो बुलेट होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे हैं, इसके बावजूद भी वो कोई साधारण बाइक से चलते हैं। दोनों के पास, मान लो दोनों के पास इनकम सेम है, लेकिन एक बुलेट और एक प्लेटिना। प्लेटिना से चलने वाले अगर बुलेट खरीद लेंगे तो हो सकता है उससे मजा नहीं आए। क्यों नहीं मजा आए? क्योंकि उसे ऐसा लग सकता है कि हमने अनावश्यक रूप से इस पर इतना पैसा खर्च कर दिया। ये उसकी सोच है। और किसी ने बुलेट खरीदा तो वो उसकी सोच है।
हम अभी गर्मी का समय है, स्वेटर नहीं पहनते और कोशिश भी नहीं करते हैं कि मार्केट जाएं और दुकानदार को कहें कि स्वेटर निकालिए, जैकेट निकालिए, क्योंकि वो स्वेटर और जैकेट में हम जो पैसे लगाएंगे और उस स्वेटर और जैकेट को अभी गर्मी के समय में जब हम पहनेंगे तो क्या मजा आएगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। अभी हम पटाखे नहीं खरीदते क्योंकि अभी ऐसा कोई ओकेजन नहीं है। अभी हम रंग नहीं खरीदते कोई ओकेजन नहीं है। रंगों का मांग हम होली के समय करते हैं, पटाखों का मांग दिवाली में किया जाता है। ऐसा क्यों? और देखेंगे हमारे इसी सोच से कहीं ना कहीं जो उत्पादक होते हैं वो उनका सोच प्रभावित होता है। जैसे जैसा देखिए उत्पादक सबसे पहले कंज्यूमर के माइंडसेट को पकड़ने का प्रयास करता है कि कंज्यूमर सोचता क्या है। जैसा कंज्यूमर सोचेगा वैसा ही वो काम करेगा। मैंने बताया कि अभी कंज्यूमर को ऊनी वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कोई भी कंपनी ना अभी ऊनी वस्त्र बना रहा है और ना ही आपको मार्केट में वो वस्त्र मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जो जैसा कंज्यूमर करना चाहता है, जैसी कंज्यूमर की माइंडसेट होती है, कंपनियां उसी के अनुसार काम करते हैं। आप देखेंगे हमारे शहर में किसी मोबाइल के स्टोर में आप चले जाएंगे, दुकान में चले जाएंगे, आप उससे पूछेंगे कि आपको हाई रेंज का एप्पल कंपनी का मोबाइल दिखाइए, वो नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? इसलिए नहीं दे पाएगा क्योंकि उसे पता है कि हम जिस शहर में अपना दुकान चला रहे हैं इस तरह के खरीदार जल्दी मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि उतनी आय यहां के लोगों का नहीं है। जिनकी आय है भी तो वो यहां रहते नहीं है। लेकिन जो हम सब यूज करते हैं 10,000 15,000 20,000 25,000 का मोबाइल वो मिल जाएगा क्योंकि हम लोग की आय कहीं ना कहीं इसी रेंज में है और हम अपने आय के अनुसार कहीं ना कहीं चीजों का इस्तेमाल करते हैं। यानी आय भी हमारे व्यवहार को कहीं ना कहीं प्रभावित किया। यानी देखेंगे मोटे तौर पर जो उपभोक्ता को व्यवहार को प्रभावित करने वाले फैक्टर होंगे वो एक क्या होगा, आय इनकम। दूसरा देखेंगे जरूरत। आप हर शहर में हर इलाकों में आप देखेंगे सब्जी का मार्केट, फल का मार्केट या दवाई का दुकान, ये सब रहता है। और ये कोरोना जैसे महामारी के दौरान भी पूरे देश अभी लॉकडाउन से गुजर रहा है लेकिन इसके बावजूद भी इन चीजों का सप्लाई बाधित नहीं है क्योंकि सरकार को पता है, सरकार ने इस पर रोक नहीं लगाया क्योंकि सरकार को पता है कि ये उपभोक्ता की नितांत जरूरतों में शामिल चीजें हैं। तो यानी कहीं ना कहीं आवश्यकता, वो अपने आवश्यकता के अनुसार चीजों का इस्तेमाल करना चाहेगा। पहले उनको आवश्यकता ही लिख देना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। तो जैसी आवश्यकता होगी वैसा ही उसका सोच होगा और जैसी आय होगी उसी प्रकार उसकी सोच होगी उपभोक्ता का। तीसरे अगर हम फैक्टर की बात करें तो वो सामाजिक धार्मिक, हालांकि आय ले लिए हैं तो यानी आर्थिक हो जाएगा, एक तरह से यहीं पर आर्थिक चर्चा करते हैं, धार्मिक सांस्कृतिक भी ले सकते हैं। ये जो सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक है ये भी कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। हम समाज जिस समाज में रहते हैं वैसा ही हम लोग का सोच हो जाता है। जैसे कहते हैं जैसा देश वैसा फेस। तो हम जिस परिप्रेक्ष्य में जीते हैं, जिस समाज में जीते हैं, हमारा सोच भी वैसा ही हो जाता है। अब देखिएगा समाज में लोग क्या क्या सोचते हैं, ज्यादा इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, करेंगे तो वीडियो का साइज लंबा होगा। धार्मिक के बारे में बात कर सकते हैं,
कि अब हमारे देश में जैसे होली जैसा त्योहार मनाया जाता है, दीपावली मनाया जाता है, ईद मनाया जाता है, रमजान मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है, तो होली हमारे देश में मनाया जाता है, जिस देश में होली नहीं मनाया जाता है तो वहां क्या देखेंगे लोग होली के समय में क्या रंग खरीदेंगे, वो पिचकारी खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। हमारे देश में लोग खरीदता है, यानी कि हमारे खरीदारी के पीछे, हमारे इस्तेमाल के पीछे ये कहीं फैक्टर है सांस्कृतिक, जो हमारा कल्चर है। हमारे कल्चर में अभी भी लोग धोती कुर्ता की बात करते हैं, धोती कुर्ता का लोग खरीदते हैं, लेकिन जहां ये कल्चर नहीं है वहां नहीं खरीदेगा। हम लोग के पहनावे को देखिए, आप गुजरात चले जाइए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, केरला चले जाइए, आपको अंतर मिलेगा। अलग अलग कल्चर है। यहां पर आप चौथा मौसम भी दे सकते हैं, मौसम भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। जो जाड़े वाले क्षेत्र में रहते हैं वो जाड़े वाले कपड़े खरीदते हैं, जो गर्म इलाकों में रहते हैं वो मतलब सूती वस्त्र खरीदते हैं, तो ये है। इसके अलावा आप आदत भी दे सकते हैं, जिसकी जैसी आदत के व्यवहार में देखेंगे, किसी चीज को आदत है, किसी चीज की प्रति वो हैबिचुएटेड हो गया तो वो उस चीज को खरीदेगा। तो ये सब तमाम फैक्टर है जिसके इर्द गिर्द हमारे व्यवहार चलते हैं, इसी के अनुसार हमारी सोच चलती है। अब इन सब चीजों का कहां क्या इस्तेमाल होगा वो तो आगे के चैप्टर में जैसे मांग पढ़ेंगे तो वहां भी देखिएगा कहीं ना कहीं ये सब पॉइंट का चर्चा होगा, क्योंकि हम जब मांग करेंगे तो भाई मांग किस चीज का करेंगे, वही चीज का मांग करेंगे जो हमारे लिए आवश्यक है, ये फैक्टर आएगा कि नहीं आएगा। फिर मांग हम किस अनुसार करेंगे, इनकम के हिसाब से करेंगे। अब हमारे पास 5 लाख रुपया है तो हम 1 करोड़ रुपए का चीज या 1 करोड़ रुपया का घर खरीदने के बारे में कहां से सोच सकते हैं, नहीं खरीदने की सोच सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आय भी प्रभावित करेगा मांग को। तो वो सब है। उपयोगिता के बारे में जैसे चर्चा करेंगे तो उपयोगिता मायने रखता है। आप जैसे अभी बात किए कि आदत की बात की है, तो कोई सिगरेट पीता है तो उसको उससे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, और सिगरेट पीने की उसकी आदत भी है तो सिगरेट का मांग करेगा, क्योंकि उसको सिगरेट में कहीं ना कहीं उपयोगिता दिख रहा है, क्योंकि उसको उससे मजा आ रहा है, हमको उसमें मजा नहीं आएगा तो हम उसका मांग नहीं करेंगे, हमारे लिए उस चीज में कोई उपयोगिता भी नहीं है। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं आपका ये उपयोगिता मांग और मांग की लोच में आएगा। और उत्पादक का जब हम पढ़ेंगे तो वहां भी आएगा, क्योंकि वो उसी चीज को बनाना चाहेगा जो चीज को उपभोक्ता पसंद करता है, यानी कि एक अच्छे उत्पादक जो होते हैं वो अच्छे रीडर होते हैं, किसका, कंज्यूमर का। वो पहले ही एंटिसिपेट कर लेता है कि हाँ ये उपभोक्ता क्या सोचता है, उसे क्या चाहिए, उसी के अनुसार वो काम करता है। और यही कारण है इस मामले में चाइना आगे क्यों निकल गया, और चाइना का सामान हमारे देश में इतना क्यों है, क्योंकि उसने भारत के कंज्यूमर को सही ढंग से रीड किया है। इसलिए चाइनीज चीज, क्योंकि यहां के लोगों की आय कम है, कम आय में ज्यादा चीजें खरीदना चाहता है, उसी हिसाब से चाइना सामान बनाता है और भारत में भेजता है। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करता है, और उपभोक्ता अपना जो डिसीजन लेता है वो इसी के आधार पर लेता है, और वो डिसीजन में जिन चीजों को खरीदता है इन चीजों को तो देखता ही देखता है, साथ ही साथ इसी के आधार पर उन चीजों की उपयोगिता तय होती है कि उसमें उपयोगिता है या नहीं है। और यदि उसमें उपयोगिता है तो फिर वो उसको खरीदेगा, उसमें उपयोगिता नहीं है तो वो नहीं खरीदेगा। तो
इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में, उपयोगिता क्या है। सबसे पहले आप इसके परिभाषा को देखें, इसकी परिभाषा क्या हो सकता है। उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करता हो। उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, यानी कि वस्तु में एक प्रकार की शक्ति होती है, एक प्रकार का गुण होता है जो हमारी आवश्यकता को क्या करता है, पूरा करता है। जिस वस्तु में हमारी आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता होती है, हम उसी वस्तु का उपभोग करते हैं, हम उसी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें उपयोगिता है, वो हमें सेटिस्फाइड कर रहा है, हमें आनंद दे रहा है, उससे हमको मजा आ रहा है। और यदि उसमें ये सेटिस्फाइड करने की शक्ति नहीं है तो इसका मतलब है कि उसमें उपयोगिता नहीं है और वो ऐसी चीज को हम उपभोग नहीं करेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसे खरीदेंगे नहीं। अब ये जो उपयोगिता है वो कैसा होता है, क्या वो दिखता है? उपयोगिता को आप कभी देखें? नहीं देखें। उपयोगिता देखने की चीज नहीं है, उपयोगिता को महसूस किया जाता है, उसको फील किया जाता है, उसे देखा नहीं जाता है। जैसे मान लेते हैं पानी तो उपयोगी है, हम सबों के लिए उपयोगी है, और इसीलिए हम लोग पानी पीते भी हैं, उपयोग करते हैं पानी का। लेकिन आप देखेंगे अगर आपको दो गिलास में पानी दे दिया जाए या दो बोतल में, एक बोतल में जो पानी है वो किसी नदी का या किसी तालाब का है, और एक बोतल में पानी जो है वो मिनरल है, आपको कौन से पानी पीने से मजा आएगा? स्वाभाविक है जो मिनरल वाटर है वो आपको ज्यादा संतुष्टि देगा। इसका मतलब है कि उसमें उपयोगिता ज्यादा है और उस तालाब के पानी में उपयोगिता कम है। तो ये देखता कहां है? दोनों बोतल में पानी है, दिख रहा है साफ, लेकिन किसमें कितनी उपयोगिता है, यूटिलिटी है, किसमें कितनी ज्यादा शक्ति है हमारी जरूरत को पूरा करने का, वो दिखा कहां, उसको हम छू कहां पाए? पीने के बाद उसे हम महसूस किए। तो उपयोगिता को महसूस किया जाता है, और उपयोगिता का जो एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक यूटिल होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? यूटिल होता है। कैसे होता है इसकी चर्चा आगे करेंगे। अब हमारे पास प्रश्न उठता है कि इसकी क्या विशेषताएं, उपयोगिता की क्या विशेषताएं? विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, किसका? उपयोगिता का। उपयोगिता को समझे हैं या नहीं समझे हैं? इसको हमको लगता है समझ गए होंगे। उपयोगिता किसी वस्तु का गुण होता है जिसे देखा नहीं जाता है, महसूस किया जाता है। हम कैसे महसूस करते हैं? अगर उस चीज को यूज करने से हम संतुष्ट हो जाएं, हमें अच्छा लगे, तो इसका मतलब है कि उसमें उपयोगिता है। पानी का जो एग्जांपल दिए, कहां और तालाब वाला पानी जैसे मुंह में लीजिएगा अच्छा नहीं लगेगा, फीलिंग अच्छा नहीं आएगा, मुंह में लिया हुआ भी बाहर कर दीजिएगा, कहां उसमें उपयोगिता है?
तो हर चीज में उपयोगिता होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। मेरे कहने मतलब परिस्थिति के अनुसार अगर मान लेते हैं वो बहुत प्यासा आदमी है, कहीं पानी नहीं मिला है उसको, कई दिनों से वो भूखे प्यासे है, मुंह सूख रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो वो उसमें भी उसमें यानी उस पानी में भी उसको उपयोगिता दिखेगा और उसको उसको पीना पड़ेगा वो पानी, तो वहां पर उस परिस्थिति में तो उसमें उपयोगिता आ गई। तो इसका मतलब है कि परिस्थिति के हिसाब से भी वस्तु में उपयोगिता रहती है। इसलिए हम उपयोगिता की विशेषता को पहले जाने। आप कहिएगा कि सर जिसमें सेटिस्फाइड हो तो इसका मतलब उसमें उपयोगिता है, तो क्या सिगरेट में, शराब में, क्या इसमें भी उपयोगिता है? बिल्कुल इसमें भी उपयोगिता है, क्योंकि जो शराबी होता है जब शराब पीता है तो उसको जो मजा आता है वो वही जानता है, हम नहीं जान सकते। तो क्यों नहीं जान सकते? वो जान सकता है, हम क्यों नहीं जान सकते? हम उस शराब को पी लेंगे तो हमको बेचैनी फील हो जाएगी, वोमिटिंग हो जाएगा, हमको मजा नहीं आएगा। उस एक ही चीज है, किसी के लिए मजा आया किसी के लिए मजा नहीं आया। इसका मतलब है उपयोगिता एक जनरल कंसेप्ट नहीं है, इसको आप नॉर्मेलिटी में मत लीजिए, सामान्य तौर पर नहीं लीजिए। हम पहले इस पर चर्चा करेंगे विशेषताओं के आधार पर, क्या क्या विशेषता है। तो पहले एक विशेषता तो यह होता है कि एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, मनोवैज्ञानिक धारणा, यह मनोवैज्ञानिक धारणा है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, ये मनोवैज्ञानिक धारणा है। यानी कि ये आपके मन पर निर्भर करेगा, मनोवैज्ञानिक चीजें जो होती है उसे वो महसूस कर सकता है, यानी आप उपयोगिता को महसूस कर सकते हैं। किसी सेम चीज में किसी को उपयोगिता महसूस होगी, किसी को उपयोगिता महसूस नहीं भी होगी। दूसरी विशेषता इसको देखें, ये व्यक्ति परक अथवा सापेक्षिक, यानी कि सब्जेक्टिव और रिलेटिव, ये जो होता है वो व्यक्ति परक होता है, यानी व्यक्ति व्यक्ति में ये वैरी करता है, यानी कि एक ही चीज में उपयोगिता किसी एक व्यक्ति को महसूस होगा, किसी और को महसूस नहीं होगा, यानी दूसरे को नहीं होगा। जैसे मैंने बताया कि एक व्यक्ति सिगरेट पीता है तो उसको उसमें उपयोगिता महसूस होती है, उसको आनंद आया, लेकिन दूसरा कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसको सिगरेट पीने से मजा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, आनंद नहीं आएगा। तो यानी कि सेम एक ही वस्तु किसी एक के लिए उपयोगिता रखता है, किसी के लिए नहीं रखता है। तो ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, व्यक्ति परक है। सब्जेक्टिव होने का मतलब है कि ये एक इंडिविजुअल पर निर्भर करता है, इंडिविजुअल के अनुसार डिसाइड होता है, और ऑब्जेक्टिव होने का मतलब है कि जो सब पर लागू हो जाए, यानी कोई चीज है और ये इसमें क्या है नहीं है वो सबके लिए सामान्य रूप से अगर माइंड हो तो वो हो जाता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन किसी के लिए कुछ होता है, किसी के लिए कुछ होता है, तो इसका मतलब है वो सब्जेक्टिव है। इसको आप अलग पॉइंट में भी दिखा सकते हैं, सापेक्षिक यानी ये व्यक्ति परक होता है, इसको अलग ही पॉइंट कर देते, सापेक्षिक यानी रिलेटिव। आप इसको किसी से रिलेट करके देख सकते हैं, यानी कि कोई ऐसा चीज
एक स्थान पर या किसी परिस्थिति में उपयोगी हो जाता है, वही दूसरे परिस्थिति में वो उपयोगी नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि किसी व्यक्ति को जोर से प्यास लगी हुई है तो वहां पर उसको पानी उपयोगी नजर आएगा। प्यास नहीं लगेगी, लगी हुई है तो उस समय पानी में उसको उपयोगिता नहीं दिखेगा। हमने तो यहां तक बताया कि कोई प्यासा आदमी है बहुत समय से तो वो तालाब के गंदे पानी को भी पी लेगा, उसमें भी उसके लिए उपयोगिता आ जाती है। तो परिस्थिति से इसको जोड़ करके देख सकते हैं, समय से जोड़ करके देख सकते हैं, स्थान से जोड़ करके देख सकते हैं। जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं वहां पर ठंडे वस्त्र, जो सूती ऊनी कपड़ा होता है, वुलन क्लोथ्स, उसका लोग ज्यादा उपभोग करते हैं। हम इसको किसी से रिलेट करके देख सकते हैं। चौथा, आदतें। नैतिकता लेते हैं, नैतिकता से कोई संबंध नहीं। नो पॉइंट ऑफ मॉरेलिटी। मॉरेलिटी से कोई लेना देना नहीं है इसको। जैसे हम लोग मॉरल ग्राउंड पर ये बोलते हैं कि नहीं, शराब नहीं पीना चाहिए। अब ये अगर सचमुच में मॉरलिटी मायने रखता तो सबों के लिए शराब में कोई उपयोगिता नहीं दिखती, कोई नहीं खरीदता। लेकिन बहुत सारे लोग तो खरीद रहे हैं, पी रहे हैं। इसका मतलब है कि मॉरलिटी से उस व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं है, लाभ हानि से उसको कोई मतलब नहीं है। बस शराब पिए, अच्छा फीलिंग आ जाए, इसी से उसको लेना देना है। इसका मतलब उपयोगिता में मॉरेलिटी नाम का कोई चीज नहीं होता है, केवल और केवल मायने रखता है कि सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। उसके बाद पांचवें पॉइंट में आप मौसम को ले सकते हैं, लेकिन मौसम को जब लेंगे तो खैर इसको हम इससे सापेक्षिक से हम लोग जोड़ करके देख लेते हैं कि जैसा मौसम होता है मौसम के अनुसार हम अपने चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मौसम गर्मी के दिनों में हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ज्यादा उसका उपभोग करते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा यूटिलिटी महसूस होता है। और भी बहुत तरह का होता है ऐसे पदार्थ, जैसे तरबूज वगैरह होता है जिसको हम लोग खाते हैं, खीरे वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन आता है, उसके अनुसार हम उसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर जब जाड़े के दिन आता है तो हम कॉफी जैसे चीजों का इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, या मटन हुआ, चिकन हुआ, ऐसे चीज की ओर हम लोग का झुकाव अंडे की ओर ज्यादा झुकाव हो जाता है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमको सेटिस्फेक्शन ज्यादा लगता है। तो चार पॉइंट से भी आप काम चला सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं और भी चर्चा कर सकते थे, लेकिन देखना है जितना रिक्वायरमेंट है उतना से ही काम चल जाए। तो इस तरह से उपयोगिता के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको पता चल। एक और पॉइंट मेंशन कर दूं, ज्यादा जरूरी है, सकारात्मक और नकारात्मक, यानी पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी है। जैसे फीलिंग में बताया कि आप कोई चीज इस्तेमाल की है तो मजा आ गया तो इसका मतलब यूटिलिटी है, वहां पॉजिटिव है, और जैसे आप उसका इस्तेमाल किए तो आपको एक खराब फीलिंग आया तो वहां वो नेगेटिव हो गया। तो जहां पर आपको अच्छा फीलिंग आ जाए तो वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, और जहां पर फीलिंग खराब हो तो वो नेगेटिव है।
तो ये सब है उपयोगिता की विशेषता, यानी कि उपयोगिता एक प्रकार का गुण है जो वस्तु में होता है, सभी वस्तुओं में होता है, किसी में कम या किसी में ज्यादा। वो डिपेंड करता है किन चीजों पर, वो डिपेंड करता है कई चीजें, जैसे ये सब चीज जो बता रहे यही सब चीज पर डिपेंड करता है, किसका कैसा सोच, कैसी परिस्थिति। एक ही चीज किसी परिस्थिति में ज्यादा यूटिलिटी रखता है, किसी परिस्थिति में कम रखता है। तो उपयोगिता एक प्रकार का गुण है जो वस्तु में पाया जाता है, जिससे हमें संतुष्टि मिलती है। क्या विशेषता है, ये पांच विशेषता आप लोगों के समक्ष रखा। हमको लगता है कि उपयोगिता के बारे में बहुत हद तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब प्रश्न उठता है, क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है, यानी किसी में कम उपयोगिता है या किसी में ज्यादा है, तो क्या इसको मापने के लिए कुछ है। जैसे आप कहते हैं कि दो जार में अगर पानी रख दिया जाए तो किसमें ज्यादा, या दो बोतल में दूध है तो किसमें ज्यादा है या किसमें कम है, तो तुरंत उसके मेजरमेंट के लिए लीटर आता है। जो लिक्विड को हम मापते हैं उसका जो यूनिट है मापने का वो क्या है, लीटर है ना। तो देख लेंगे जिसमें दो लीटर निकल गया, अब किसी में डेढ़ लीटर निकला तो तय कर लेंगे किसमें ज्यादा क्वांटिटी है इसमें कम है। लेकिन किसी चीज में यूटिलिटी कितनी अधिक है या कम है तो इसको कैसे मापते हैं, तो इसके बारे में दो थॉट है, दो कंसेप्ट है, उसका भी चर्चा आज ही कर देते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आप हर एक ही टॉपिक को थोड़ा थोड़ा करके कई वीडियो में करने से अच्छा है एक में रखें, ताकि थोड़ा सा इसमें टाइम तो देना होगा। आप वीडियो को रोक रोक करके देखें, अगर 10 मिनट देखे आपको फिर पीछे से कुछ समझना है तो आप उसको वहीं पर पॉज करके रोक करके और पीछे की चीज को आप समझ लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही साथ क्लियर कर दें तो ज्यादा अच्छा है। क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है, इसके बारे में दो कंसेप्ट है। उपयोगिता की माप, एक है गणना वाचक दृष्टिकोण, कार्डिनल अप्रोच, दूसरा क्रमवाचक, इसको आप श्रेणीगत भी कर सकते हैं दृष्टिकोण, ऑर्डिनल अप्रोच। ये मार्शल के द्वारा है, यहीं पर मेंशन कर दिए मार्शल, और ये जो है एलन एंड हिक्स, एलन एंड हिक्स, मार्शल इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री है, और एलन और हिक्स भी अर्थशास्त्री है। दो जो यहां पर मेजरमेंट बता रहे हैं, मार्शल का कहना है कि उपयोगिता को हम माप सकते हैं और वो किस आधार पर, यानी उपयोगिता को हम गिन सकते हैं, गिनती इसकी कर सकते हैं, इसको हम यूनिट में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल है, हमारे मन पर निर्भर करता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उसको यूनिट में व्यक्त कर सकते हैं, यूटिल में व्यक्त कर सकते हैं, जो यहां लिखा हुआ है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, यूटिल। वो कैसे, तो जैसे एक एग्जांपल हम बताते हैं कि जैसे आप को अगर जज बना दिया जाए, या आप लोग देखते हैं टीवी वगैरह पर कुछ ऐसे शो आते हैं, डांस इंडिया डांस या लिटिल मास्टर, बहुत सारे तरह के आते हैं। तो मान लेते हैं कि एक सिंगिंग का शो चलता है, इसमें सॉन्ग का कंपटीशन होता है,
और उसमें आप देखिएगा चार पांच जज बैठा हुआ रहता है और कई जो सिंगर आते हैं गाना गाने के लिए तो आप पाते क्या होंगे कि कोई जज किसी सिंगर को 10 out of 10 यानी 10 point दे देते हैं, तो कोई 9 देता है, कोई 8 देता है, कोई और आया तो फिर उसके लिए भी अलग अलग होता है। अब देखेंगे एक ही जो परफॉर्मर है, फिर देखिए उपयोगिता की विशेषता पर गौर कीजिएगा, जो व्यक्ति परक बताए थे, सापेक्षिक बताए थे, एक पॉइंट हम बताए थे कि ये व्यक्ति परक होता है, उपयोगिता की विशेषता ही बताए थे, यानी कि एक ने डांस गाना गाया, एक जज ने उसको 10 में 10 दिया, एक जज ने 9 दिया, एक जज ने 8 दिया, किसी और ने 9 दिया, तो कोई कम दे रहा, कोई ज्यादा दे रहा, क्यों? इसलिए तो बोलते हैं कि ये अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग फीलिंग होता है। किसी को अच्छा लगा, जो बहुत अच्छा लगा और 10 दे दिया, जिसको उसका डांस सबसे बेकार लगा तो सबसे कम दिया। लेकिन हम उसको जो नंबर जो दे रहे हैं तो क्या चीज है? जैसे आप कपड़ा होता है तो माप देते हैं, ये 2 मीटर कपड़ा है, लो और सब कोई इसको एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे मीटर से कपड़े को मापा जाता है कि ये कपड़ा है, लीजिए 2 मीटर का, जितने लोग होंगे जो देखेंगे सब कहेगा नहीं ये 2 मीटर का है, कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन उसी कपड़े को अगर कहा जाए कि ये सबसे अच्छा कपड़ा है, 10 तक कपड़ा वहां पर रखा हुआ रहे, कहा जाए कि नहीं ये कपड़ा सबसे अच्छा है, तो वहां पर कोई कहेगा नहीं हमको इससे अच्छा ये लगता है। यानी क्वालिटी में जब गए तो क्वालिटी किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, संतुष्टि की बात हुई तो किसी को कुछ, किसी को कुछ, लेकिन उसका जो माप हुआ था, मेजरमेंट जो हुआ था लेंथ का, वो तो क्या था, ऑब्जेक्टिव था वो कंसेप्ट, वो सबके लिए सामान्य था, नॉर्मेटिव व्यू में था वो। लेकिन वो अच्छा है कि खराब है, कितना अच्छा है, ये अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। किसी को देखिएगा मतलब ऐसे कपड़े ज्यादा पसंद होते हैं जिसमें ज्यादा कलर होता है, किसी को ऐसे कपड़े अच्छा लगते हैं जो प्लेन होता है, तो ये लोगों पर निर्भर करता है। तो वहीं पर हम बताए कि वो जो जज है तो वो जज जो अपना मार्क्स दे रहा है वो किस आधार पर, अपने फीलिंग के आधार पर, उसको उसमें अच्छा लगा तो उसको ज्यादा दिया, किसी को और अच्छा लगा तो वो किसी और को दिया। क्लियर? तो मान लेते हैं कि आपकी को 3 प्लेट में खाने के लिए दे दिया जाए, 1 प्लेट है, 2 प्लेट है, 3 प्लेट है, इसमें भी कुछ कुछ आइटम है, इसमें भी कुछ आइटम है, इसमें भी कुछ आइटम है, और आपको सबसे ज्यादा अच्छा ये प्लेट लगा खाने में, यानी इसमें आपको ज्यादा मजा आया, आप इसको 10 मार्क्स दे दीजिए, यानी 10 यूटिल हो गया, और इससे थोड़ा कम लगा अच्छा ये, तो इसको आप 8 यूटिल कर दीजिए, उसके बाद ये लगा दो इसको 6 यूटिल कर दीजिए। जैसे जज लोग करते हैं, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा करता है, डांस में भी, गाना में भी, इवन कोई आप कॉपी जांचते हैं, किसी की राइटिंग देखते हैं तो राइटिंग के आधार पर भी हम जिसमें हमको ज्यादा अच्छा लगता है उसमें उसको ज्यादा मार्क्स देते हैं, अगर आप एग्जामिनर हैं तो। हम अभी यूट्यूब पर जो वीडियो डालते हैं इसमें भी रैंकिंग दिया जाता है, हमारे वीडियो को क्या रैंक मिलेगा, जिस यदि अगर ज्यादा लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज्यादा रैंक मिलेगा, कम अच्छा लगेगा तो रैंक थोड़ा नीचे आएगा। तो इस तरह से यानी कि गणनावाचक दृष्टिकोण में क्या होगा, इसमें उपयोगिता को संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह संख्या दे सकते हैं।
लेकिन चूंकि संख्या दे रहे हैं टोटल 10 मार्क्स है और 10 मार्क्स में किसी को 5 नंबर मिला तो इसका मतलब इसमें ज्यादा यूटिल है, और किसी को 10 में 4 दिया गया तो उसके बाद इसका नंबर आता है यूटिलिटी के मामले में। क्लियर। क्रमवाचक जो दृष्टिकोण है इसमें भी साइकोलॉजिकल, इसमें भी फीलिंग आया, लेकिन इसमें एलन का मानना है, एक्स का मानना है कि आप फील कीजिए, जिसमें आपको ज्यादा अच्छा फीलिंग आए उसको आप फर्स्ट कर दीजिए, उसके बाद जो अच्छा लगा उसको सेकंड कर दीजिए, फिर थर्ड कर दीजिए, ऐसे चलता जाएगा। या इसको ए बी सी ऐसे भी कर सकते हैं, या ए प्लस ए बी प्लस बी ऐसे भी आप ग्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि जिसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, जैसे अभी हम बताए कि 3 प्लेट था, आपको इस प्लेट में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो ये इसको ए प्लस कर दीजिए, उसके बाद ये लगा तो ए कर दीजिए, इसके बाद ये लगा तो बी प्लस कर दीजिए, ऐसे लेके चलिए। यानी कि इसमें ऑर्डर में रखा जाता है किसके अनुसार, एलन और हिक्स के अनुसार, यानी इसमें उपयोगिता को क्रम में व्यक्त किया जाता है। किसके अनुसार, एलन और हिक्स के अनुसार। तो ये तो था उपयोगिता का माप। आज हम लोग उपयोगिता के बारे में बहुत कुछ पढ़े, उपभोक्ता व्यवहार के बारे में भी थोड़ा चर्चा की, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ, और उपयोगिता में 3 चीज के बारे में चर्चा की, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता, और क्या उपयोगिता को माप सकते हैं। तो हाँ, इस रूप में माप सकते हैं, मार्शल के अनुसार ऐसे होगा और एलन हिक्स के अनुसार ऐसे होगा। तो ये 3 चीजों के बाद अगले जो वीडियो आएगा उसमें भी अभी यूटिलिटी के बारे में ही पढ़ना है, पढ़ेंगे। इसमें एक नियम आता है उपयोगिता ह्रास नियम, और उन उपयोगिता सीमांत उपयोगिता जैसे कंसेप्ट इसमें पढ़ना होगा। लेकिन तब तक के लिए आज हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो को देखने के लिए, और यदि इसको सब्सक्राइब करते हैं तो इसके लिए भी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए विदा लेते हैं।